10+1 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 7 इक्विलिब्रियम से होगा। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ ए सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटर act the effect of the change. This principle is very helpful in predicting qualitatively the effect of change in concentration, pressure or temperature on a system in equilibrium. और ये जो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है ये फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रिया दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। सो लेट अस डिस्कस दीज इफेक्ट्स वन बाय वन। Effect of concentration change. Concentration, let us suppose we have this type of a reaction in which hydrogen combined with iodine to form HI, gaseous reaction. And according to the Lee Chatelier's principle, when the concentration of any of the reactants or products in a reaction at equilibrium is changed, the composition of the equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of concentration changes. Means ये बहुत सिंपल है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें या प्रोडक्ट साइड की इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो जो इक्विलिब्रियम है उस चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस अकॉर्डिंग आपने चेंज किया है उसके उसी अकॉर्डिंग वो फिर प्रोसीड करेगा टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, उससे क्या होगा, उस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। मीन्स HI की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें या दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें, तो रिएक्टेंट साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और अगर आप प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तब ये रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, या फिर आप रिएक्टेंट साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तो जिस तरफ आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे रिएक्शन उसी तरफ प्रोसीड करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए आप, ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है कॉन्सेंट्रेशन चेंज की इसी रिएक्शन के लिए जो अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पोजीशन में ये रिएक्शन, जब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया था तब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। हाइड्रोजन, आयोडीन और HI ये इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। फिर हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, मीन्स रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया हमने। इससे क्या हुआ, ये देखिए आप ऊपर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई और जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो जो HI की फॉर्मेशन है यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये जो HI है, ये वाला जो ग्राफिकल कंडीशन है ये बता रहा है कि जो HI की मीन्स प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट साइड्स की बोथ हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रही है और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रही है, और फिर कॉन्स्टेंट हो जा रही है कॉन्सेंट्रेशन तीनों की, HI की भी, I2 की भी और H2 की। बट इट मीन्स दैट कि जैसे आप चेंज करते हो कॉन्सेंट्रेशन में, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उस डिस्टर्बेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ये डिपेंड करता है कि उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, और वो रिएक्शन फिर प्रोसीड करता है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम की जो स्ट्रेस है, इक्विलिब्रियम का जो चेंज है या जो भी इफेक्ट आपने वहां पे लगाया हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और जब वो
इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर से इक्विलिब्रियम वहाँ पे अटेन हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इसको एग्जांपल से हम ज्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा करके मीथेन और वाटर की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। इस रिएक्शन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, अगर ये हमने अंडरस्टैंड करना है तो सिंपली हमने गैसियस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और गैसियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं। तो इस रिएक्शन में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 4 हैं और दूसरी तरफ टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे 2 है। तो 1 यहाँ पे मीथेन है, 1 ही वाटर है, जबकि 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 4 रिएक्टेंट्स है और 2 प्रोडक्ट साइड में है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपने गैसियस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ही काउंट करने हैं। और साथ में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उसको हम बाई चेंजिंग द प्रेशर डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो डिस्टर्बेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रिएक्शन क्या करता है, इस तरह से प्रोसीड करता है कि जो भी चेंज आपने लाया है उसमें वो न्यूट्रलाइज हो जाए। हम जब यहाँ पे इस एग्जांपल को ले रहे हैं तो हम नंबर ऑफ मोल से इसको समझेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज है। इसमें जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 रिएक्टेंट्स मीन्स रिएक्टेंट साइड में 4 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 4 है, तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, मतलब मीथेन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। और अगर इसी रिएक्शन को आप डिक्रीज इन प्रेशर करते हो, आप प्रेशर वहां पे डिक्रीज कर देते हैं सिस्टम का, तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो फॉर्मेशन ऑफ CO है वो ज्यादा होगा, CO और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखें, आप ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ है उससे दूसरी तरफ को रिएक्शन प्रोसीड करेगा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ, जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप डिक्रीज करते हो प्रेशर, इंक्रीज करते हो तो किस तरफ जाएगा, ज्यादा से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, और अगर आप डिक्रीज करते हो तो कम से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और ये देखिए आप एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन सॉलिड को मीन्स कोयले को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया और यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो जब इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की तरफ एक ही गैसियस मोल है और प्रोडक्ट की तरफ 2 गैसियस मोल्स हैं। कार्बन सॉलिड है इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट्स की तरफ आएगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने गैसियस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और गैसियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और उस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, और साथ में जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है और फिर इनर्ट गैस आप उसमें ऐड कर दे रहे हो, तो डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्योंकि इनर्ट गैस का मतलब है जो चीज आपने उसमें ऐड की वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो अनडिस्टर्ब्ड होगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये कहें यहाँ पे क्यों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है, तो हम आपको बता दें कि जब भी हम इनर्ट गैस डालते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो ये पार्शियल प्रेशर में, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रेशर चेंज नहीं होता, तो ये पार्शियल प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सब्सटेंस की रिएक्शंस के ऊपर, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो हम इक्विलिब्रियम
जब स्टेट होती है रिएक्शन के लिए उसके लिए क्यू सी लिखते हैं तो वो किसके बराबर होता है, के सी के बराबर होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। जब हम टेम्परेचर चेंज को स्टडी करते हैं ली शेटलियर्स प्रिंसिपल में, हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू होती है। डेल्टा एच आप जानते हैं क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया हुआ है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, डिक्रीज किया तो किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो ये डिपेंड करता है डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन जब हो रहा है और उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है और लेकिन एनर्जी वहां पे रिलीज हुई, मींस वहां पे इवॉल्व हुई एनर्जी, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप बेहतर यील्ड चाहते हैं वहां पे, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट साइड को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी फेवरेबल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में उस वक्त एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मींस जो हीट ले रहा है होने के लिए, मींस डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में जो रिएक्शन है वो इंक्रीज टेम्परेचर के ऊपर प्रोडक्ट साइड में प्रोसीड करेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवरेबल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसके लिए एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। तो अमोनिया की फॉर्मेशन जब होती है हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, उस वक्त हीट इवॉल्व होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, -92.38 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में अगर आपने अमोनिया की फॉर्मेशन को अच्छा करना है तो फिर आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर पे ये अमोनिया की फॉर्मेशन अच्छी होगी। इसी तरह आगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम डिस्कस करते हैं, ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता है। हाँ, ये क्या कर देता है कि जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम को ला देता है। इसलिए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल ए न्यू एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट पासिस थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो ये देखें ध्यान से कि रिवर्स हो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, एक ही ट्रांजिशन स्टेट से वो पास करते हैं और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हालांकि जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसको जो है वो लोअर कर देता है और बिल्कुल सेम अमाउंट पे लोअर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। सो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट द ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली शेटलियर प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऐसी जनरलाइजेशन बनाता है जिसमें हम ये स्टडी कर पाते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम विच इज अंडर इक्विलिब्रियम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।